Hello my dear friends and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel Anand the Law Concept ATLC. Friends, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अबेटमेंट IPC से इंडियन पिनल कोड से अबेटमेंट नामक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 107 के अंतर्गत स्टार्ट होता है. देखिए अबेटमेंट पूर्ण रूप से पढ़ना है तो सेक्शन 107 से लेकर के 120 सेक्शन 107 से लेकर के सेक्शन 120 तक कंप्लीट अबेटमेंट है. लेकिन आज हम लोग सिर्फ अबेटमेंट की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि सेक्शन 107 उसको कैसे इनिशिएट करता है. देन आफ्टर सेक्शन 108 109 के साथ सीरीज को फॉरवर्ड करेंगे. लेकिन फिलहाल आज हमको जानना है कि अबेटमेंट क्या है. ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में कहते हैं अबेटमेंट, हिंदी में कहते हैं दुष्प्रेरण. ठीक है, अपोलॉजीज अगर हिंदी अच्छी नहीं है मेरी तो. दुष्प्रेरण लैंग्वेज का पढ़ने का मौका दीजिए, देन आफ्टर आप पेशेंस बनाइएगा. अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू अ थिंग और बाय कॉन्स्पिरेसी और बाय इंटेंशनली एड एड, इतना लिखा गया. देखिए अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो कार्य आप स्वयं ना करके किसी के द्वारा करवाएं, उकसा के करवाएं या फिर उसको चढ़ा के करवाएं, कि मतलब आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप उसको इतना भर दें कि वो जा करके कार्य कर दें. ठीक है, जैसे समझिएगा इस बात को, ये कोई भाई साहब हैं, ए भाई साहब हैं और आप कोई भाई साहब हैं व्यूअर. ठीक है, ये हैं आनंद भाई साहब, ये हैं आप व्यूअर. अब अगर आप मिस्टर बी को हैं, ये इनको हर्ट होता देखना चाहते हैं या फिर ये इनको मारना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनसे कहेंगे हाँ भाई बहुत खराब आदमी है, जाओ इसको मार दो, ये इसको बीट करे, किल करे, कुछ भी करे. ठीक है, तो ये कौन हो गया, प्रिंसिपल ऑफेंडर. ठीक है, ये कहलाएंगे पी प्रिंसिपल ऑफेंडर. कार्य किसने किया, ए ने किया. मारा किसने, ए ने. मर्डर हुआ, ए ने किया. चोरी हुई, ए ने की. आपने क्या किया, आपने इनको उकसाया, मतलब आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस काम में नहीं है, आपने फिजिकली इनको नहीं मारा, आपने इनको उकसाया, चढ़ाया, एनी हाउ, तो यह प्रोसेस कहलाता है अबेटमेंट. आप कौन हुए, एबिटर. ये कौन हुआ, प्रिंसिपल. अक्यूज्ड अगर केस बनेगा तो. ठीक है, ये होती है कहानी अबेटमेंट की. अब किस प्रकार से अबेटमेंट किया जाएगा या फिर किन अबेटमेंट्स को हम ऑफेंस के अंतर्गत लेकर के आएंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अबेटमेंट किसी कार्य के लिए आपने किया, किसी को है ना, आपने उकसाया मान लीजिए किसी को कि जाओ भाई ये कार्य कर दे तू, वो गया उसने कार्य किया, तो आप अबेटमेंट के लिए तभी लायबल होंगे जब जिस कार्य के लिए आपने उकसाया है वो एक खुद में क्या हो, ऑफेंस हो. समझ में आ रहा है, जैसे आपने किसी से कहा कि जा भाई तू चोरी कर ले, उसने चोरी कर लिया या नहीं भी किया, यही बता देता हूं. अगर आपने जिस कार्य के लिए कहा वो जाकर के करता है या नहीं भी करता है तो भी आप दुष्प्रेरण अबेटमेंट के लिए लायबल होते हैं. लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हो भाई जाओ ये प्रॉपर्टी खरीद लो या फिर जाओ भाई इलाज करवा लो अपना, तुमको चोट लगा है, तो ये अबेटमेंट में नहीं आता. क्यों, क्या इलाज करवाना कोई ऑफेंस है, प्रॉपर्टी खरीदना कोई ऑफेंस है, नहीं. तो वही ऑफेंस होगा जिस कार्य के लिए आपने अगर किसी को अबेट किया है, जब वो स्वतः एक ही ऑफेंस होगा. मर्डर कर दो, मर्डर क्या है, स्वतः ही एक ऑफेंस है, तब आपका अबेटमेंट लाइबल होगा पनिशमेंट. ठीक है, चलिए अच्छा खैर ये समझते हैं अभी यहां पे क्या सीन घटता है. ठीक है, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू अ थिंग, किसी को आपने उकसाया, इंस्टिगेट्स लिखा है. अगर गलती से इन्वेस्टिगेट में कभी बोल दूं तो यही समझेगा कि इंस्टिगेट्स ही है, जुबान है फिसल जाती है. ठीक है, अगर आपने किसी को उकसाया कि भाई जाओ कार्य कर दो ये, या फिर आप उसको भर रहे हो है ना, आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोवोक कर रहे हो किसी को. ठीक है,
आप इतनी उसके अंदर घृणा भावना भर रहे हो कि वो जाकर के कोई कार्य कर दे किसी के प्रति, या फिर चोरी के लिए इतना उकसा रहे हो, या फिर मर्डर के लिए किसी को इतना प्रवोक कर रहे हो कि वो जाकर के वो कार्य कर दे, तो आप इंस्टिगेट्स उकसाने के द्वारा अबेटमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने पॉइंट्स लिखा हो, शायद आपको ना दिख रहा हो, इसी पर लाइट फ्लैश कर रहा हो। साइलेंस, अगर आप किसी को मौन स्वीकृति देते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैं कहता हूं आपसे कि भाई मैं राम को मारने जा रहा हूं, ठीक है, और आप हैं अपने काम में बहुत ही मशगूल व्यस्त हैं, आप क्या कहते हैं कि जा भाई जो मन करे तू वो कर, मुझसे मत बोल। तो आपने क्या मुझे उकसाया, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन किया कि हाँ भाई जाओ तुम राम को मार दो? नहीं, तो आप वहां पे लायबल नहीं होंगे। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डू एज यू लाइक, जा भाई तुझे जो मन करे वो कर दे, मुझसे मत बात कर यार। ठीक है, तो ये क्या कहलवाया, साइलेंस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर साइलेंस आपको किसी कार्य के लिए इनकरेज कर रहा हो तो वहां पे आप लायबल ठहराए जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं एनी हाउ कि जो कि कोई गलत कार्य है जिसको मैं करने जा रहा हूं, और आप जान रहे हो कि गलत कार्य करेगा, ठीक है, मैं चोरी कर रहा हूं, आपको बताया कि मैं यहाँ पे चोरी कर रहा हूं, आप सोच रहे हो मनी मन कि हाँ भाई प्रॉफिट होगा, चोरी करेगा बेचेगा, ठीक है, आप मुझसे ये नहीं कह रहे हो कि गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, ठीक है, मैं चोरी कर रहा हूं, आपने कुछ नहीं कहा, मैं आपके घर में ही चोरी करने आ रहा हूं मान लीजिए, तो भी वो अगर आपकी साइलेंस मुझको इंकरेज कर रही है ऑफेंस करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, लायबल होगी। अगर वो मुझे इंकरेज नहीं कर रहा है तब वो लायबल नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन मिलता है आपके बुक्स में, आपके बेयर एक्ट में। जैसे मान लीजिए कोई दो भाई साहब हैं ए और बी, ठीक है, ए जानता है कि बुश कोई झाड़ी है, उसके पीछे कोई आदमी बैठा है, और बी भाई साहब नहीं जानते हैं कि झाड़ी के पीछे कोई है, और ये ए भाई साहब इनको इंड्यूस करते हैं, प्रवोक करते हैं, या फिर अबेट करते हैं कि भाई तुम बुश पे गोली चलाओ, झाड़ी पे गोली चलाओ, ठीक है, वो भाई साहब गोली चला देता है और वो बुश के पीछे जो आदमी है वो मर जाता है। तो यहां पे आपने अबेटमेंट किया, वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, लेकिन आप अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे क्योंकि आप जानते थे इस बात को। खैर, अब होता है कोई डायरेक्ट अबेटमेंट, डायरेक्ट इंस्टिगेट करना। जैसे दो लोग सामने बैठे हैं, काउंसलिंग कर रहा है, उसको पानी चढ़ा रहा है कि भाई तुम ये कर सकते हो, ये बहुत ही समाज के लिए गंदा इंसान है, ये टेररिस्ट है, एनी हाउ कुछ भी आप उसको भर रहे हो, उकसा रहे हो कि आ गया है इसको मार दो। एक होता है इनडायरेक्ट, आपने कोई लेटर लिख करके भेज दिया, या तो आपने लेटर में अबेटमेंट की जैसी बात कर दी, उकसाने योग्य बात हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें इंस्टिगेट में कंसीडर की जाएंगी। डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, बाय कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, 120 में हम लोग आराम से पढ़ेंगे, हाल फिलहाल के लिए इतना जाननी है। कॉन्स्पिरेसी ये होती है कि कोई भी एक से ज्यादा इंसान, मतलब अकेले तो आप कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है, षड्यंत्र आप अकेले नहीं रचेंगे, षड्यंत्र दो या दो से अधिक लोग मिलकर ये ही रच सकते हैं। अब षड्यंत्र के अंतर्गत ये तो हुआ कि ठीक है, लेकिन किस बात के लिए, कोई लॉफुल एक्ट इलीगल तरीके से आप करें, या फिर कोई इलीगल एक्ट इलीगल तरीके से करने जा रहे हो। इलीगल एक्ट का वैसे भी लॉफुल एक्ट हो ही नहीं सकता, लॉफुल तरीके से आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी क्या हुई, दो से ज्यादा लोगों ने किसी चीज के लिए षड्यंत्र रचा, कोई एक्ट है लॉफुल एक्ट है उसको इलीगल मीन्स से करने जा रहे हैं, या फिर कोई इलीगल एक्ट है उसको करने के लिए जब वो इंटेंशनली म्यूचुअली एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं, अपना विजन शेयर करते हैं, हो जाता है, तो होती है कॉन्स्पिरेसी, ठीक। अब यहां जो कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि किसी को अबेट करना, वो कैसे अबेट होगा, जैसे मान लीजिए ये भाई साहब है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तीनों लोगों ने कॉन्स्पिरेसी किया ए को मारने के लिए, ठीक है, अब इन तीनों जनों ने कॉन्स्पिरेसी किया और इनको अबेट किया ए जेड ने अकेले मारा,
कंस्पिरेसी सबने किया, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक्स और वाई ने अबेट किया जेड को मारने के लिए, जेड से कि एक तुम मार दो। तो देखिए ये भाई साहब तो मर्डर के लिए लायबल होंगे ही होंगे, ये लोग अबेटमेंट के लिए होंगे होंगे, और तीनों लोग क्या होंगे, कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल भी होंगे। समझ में आया ये सारी चीजें। अच्छा इसी में एक केस और देख लीजिए फिर लगे हाथ। जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई जेड थे, ठीक है, इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी किया, ये कोई भाई साहब थे ए, इनको अबेट किया, इन्होंने बी को मारा, तो ये लोग क्या हो गए, तीनों अबेटर्स हो गए। जो अबेट करता है वो अबेटर, और ये भाई साहब क्या हो गए, प्रिंसिपल अक्यूज्ड, या ठीक है जिन्होंने मारा है, लेकिन क्या ये अबेटर है, नहीं। अबेटर कौन है, ये। कॉन्स्पिरेसी में क्या इसको शामिल करेंगे हम ए को, नहीं, कॉन्स्पिरेसी इनके बीच हुआ। एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात अभी छोड़ दीजिए, इतना आपको समझ में आया कॉन्स्पिरेसी से, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है, इंटेंशनली एड का मामला आता है। कौन सा मामला आता है, इंटेंशनली एड का मामला आता है। जैसे आप किसी की सहायता कर रहे हैं जानबूझ के, और वो सहायता ऐसी है कि वो सामने वाले को मतलब प्रोत्साहित कर रहा है, आप अबेट कर रहे हो, आपकी सहायता उसको अबेट कर रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई घर है, आप यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी पोस्ट पे, चौकीदार पे, कैंपेन चली रहा है, मैं भी चौकीदार, देश की सर्वोत्तम पोस्ट है इस टाइम, ठीक है। तो और आप किसी से मिल करके बातचीत करके कहते हो कि मैं इस घर का गेट खोल दूंगा, आप लोग आना चोरी कर लेना, ये क्या किया आपने, मदद किया, फैसिलिटेट किया, ठीक है। तो ये आप इंटेंशनली एड कर रहे हो, तो भी आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को अबेट कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, लेकिन आप इंटेंशनली एड कर रहे हो, ठीक है, कुछ कार्य कर रहे हो, या फिर इन दोनों के बीच में कोई अबेटमेंट का, कोई मतलब चोरी करने का इरादा था, आपने उनकी सहायता कर दी गेट खोल के, आप कॉन्स्पिरेसी में नहीं थे, तो भी आपने क्या किया, इंटेंशनली एड किया। समझ में आया। आप सुनिए मामला थोड़ा यहां से घुमाते हैं। मान लीजिए ए भाई साहब यहाँ पे चौकीदार कैंपेन के तहत चौकीदार हैं हाउस पे, और इनको नहीं पता कि बी और सी यहाँ चोरी करने वाले हैं, ये अपना ड्यूटी से ऑफ हो गए। तो अगर इनको नहीं पता ड्यूटी से ऑफ हैं, तो वो तो एक अलग केस बनेगा कि आप अपनी जगह पे नहीं थे, लेकिन तब ए अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। लॉ में क्या होगा से ज्यादा फोकस कीजिए कि क्या नहीं होगा, पूरा लॉ ही नेगेटिव लैंग्वेज पे लिखा जाता है मोस्टली 90% टाइम्स। तो आप भी उसी प्रवृत्ति से सोचिए कि क्या नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ये भाई साहब को पता था और ये खोल के गायब हो गए, तब तो ये आप डेफिनेटली लायबल हैं। अगर नहीं पता था कि ये लोग चोरी करने वाले हैं, तब इनको नहीं लायबल ठहराया जाएगा। ये किसके तहत आएगा, इंटेंशनली एड के तहत, ठीक है। आप देखिए इसी सेक्शन में दो एक्सप्लेनेशन भी मिलते हैं बहुत साफ तरीके से, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, मटेरियल फैक्ट लिखाएंगे, चलो खैर। जैसे एक एग्जांपल दे रखा होगा आपके में, इलस्ट्रेशन दे रखा होगा कि कोई जेड भाई साहब ए को गिरफ्तार करने आते हैं, आप वहां पर बैठ के क्या कर रहे थे, ठंडा पी रहे थे, गर्मी आ गई है तो आप क्या पियेंगे, ठंडा, ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है। तो आप वहां पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, आपने देखा कि यार ये पुलिस वाला आ रहा है, ए को गिरफ्तार करने आ रहा है, और आपकी दुश्मनी बी से थी, आपने उसको धोखेबाजी में कहा कि वो रहा ए, बी की तरफ इंगित करते हुए, बी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो रहा ए, और उसने सिपाही ने जाकर के उसको गिरफ्तार कर लिया, तो आपने क्या किया, बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन किया, तो अभी आप क्या कहलाए, दुष्प्रेरण किया, आपने अबेटमेंट किया, या फिर कोई कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स किया। अगर आपके ऊपर कोई ये आप बाध थे किसी फैक्ट को उजागर करने के लिए, आपने उसको कंसील किया, छुपाया, तो भी आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, अबेटमेंट के लिए, ठीक है, लायबल होंगे, ठीक है, ओके। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है फैसिलिटेट, आप किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, दो बार रिपीट कर दूंगा लेकिन बहुत अच्छे से समझिएगा।
पहले तो इंग्लिश लॉ और हिंदी लॉ में बताता हूँ। देखिए इंग्लिश लॉ और हिंदी लॉ, इंडियन लॉ में इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए ये भाई साहब है ए, ये भाई साहब है बी, ये भाई साहब है सी, ये भाई साहब है डी और ये भाई साहब थे कोई ई। ये भाई साहब बी जो है ये प्रॉपर क्या कहलाए, अबेटर कहलाए, और ए ने इस बात के लिए अबेट किया कि ई को मार दो, तो ये क्या हो गए, प्राइमरी हो गए। ये कौन हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अबेट किया है। इन्होंने इनको कट्टा चाकू तलवार कुछ भी दिया, ठीक है, और वहां से इन्होंने जब मर्डर कर दिया तो डी भाई साहब ने कहा मैं तुम्हारी फरार होने में मदद करूंगा। कितना अच्छा केस बन गया। ए भाई साहब ई को मारना चाहते थे, बी ने उनको अबेट किया कि इसको मार दो, इन्होंने उसको मुहैया करवाया साजो सामान, डी ने उसको वहां से भागने के लिए मदद किया। तो सर यहाँ पे कौन कौन जिम्मेदार होगा? अब देखिए ये तो अबेटमेंट के लिए डायरेक्ट जिम्मेदार है, इंग्लिश लॉ की बात कर रहा हूँ, ये भी अबेटमेंट के लिए क्योंकि आपने फैसिलिटेट किया, डी भाई साहब ने भागने में मदद किया, ये भी इंग्लिश लॉ के तहत, ये तीनों जो होंगे अबेटमेंट के लिए लाइबल होंगे। लेकिन इंडियन लॉ थोड़ा सा यहीं पे कहता है कि हम और तुम भाई भाई नहीं है। इंडियन लॉ कहता है कि इसका बात तो समझ में आया कि बी ने अबेट किया कि जा मार भाई, इसका भी समझ में आया, सम्मान मुहैया करवाया, लेकिन डी भाई साहब को हम नहीं मानते, इनको हटा देता है, कहता ना 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 ना, ठीक, तो ए बी और सी इसके लिए अबेटमेंट के लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि अबेट का मतलब क्या, उकसाना, कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो हम लोग कहते हाँ, तो फैसिलिटेट पे बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, ठीक है, आप फैसिलिटेट कैसे होगा, आपने प्रियोर पहले ही बातचीत कर लिया हो कि आप कैसे हमारी हेल्प करेंगे, या फिर आप उसको साजो सम्मान पहले मुहैया करवा रहे हैं कहीं मर्डर होने जा रहा है तो, और ड्यूरिंग दैट जब वो क्राइम घट रहा हो, कंटिन्यूएशन में हो, ठीक है, तब बाद का कोई कार्य वाला सिस्टम यहां नहीं जज पाएगा, समझ में आया, बस इसको ऐसे ही दिमाग में बढ़ा लीजिए, बाकी बुक्स पढ़ना चाहो जी भर के पढ़ो, निचोड़ यही निकल के आने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो साइलेंस, अगर आपकी साइलेंस क्या कहते हैं उसको इनकरेज नहीं कर रही है तो आप लायबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी साइलेंस ऐसी है कि जो कि सामने वाले को इनकरेज कर रही है किसी कार्य के लिए, ऑफेंस के लिए, तो आप डेफिनेटली लायबल होंगे। इंडियन एंड इंग्लिश लॉ में आपको डिफरेंशिएट बता दिया, अबेटमेंट देन व्हेन अबेटेड एक्ट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। एक बात और जानिए, अगर आपने किसी को अबेट किया जा भाई तू मर्डर कर और वो मर्डर नहीं करता, तब भी आप अबेटमेंट के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। कर देता है तब तो ठीक है, अब यहाँ पे सजा की बात आती है, अभी मत पूछना कि पनिशमेंट क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कोई भी, क्योंकि जब पनिशमेंट वाले सेक्शंस में आऊंगा तो डिफरेंशिएट बताऊंगा कि अबेटमेंट का कैसे कैसे पनिशमेंट होता है, फिलहाल अभी कोई मत पूछना, ठीक है। चलिए तो अगर मान लीजिए ए ने बी को अबेट किया कि जा भाई तू सी को मार दे, दो सिचुएशन हुई, इसने मारा इसने नहीं मारा, अगर मार दिया तो इसकी सजा ज्यादा होगी डिस्क्रिशन पे जज की, अगर नहीं मारता है तब भी अबेटमेंट के लिए तो एलिजिबल है, लाइबल है ही हो, सजा कम होगी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझिए जो कि लॉजिकली सही भी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। आप चलिए अब बात करते हैं केसेस की, जो कि महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा मुद्दा है इस टॉपिक का, ठीक है। अभी सेक्शन 108 में बहुत मजा आएगा, समझ नहीं रहे हैं आप, क्योंकि वहां पे बताएगा बच्चे को अबेट किया, इंसेन को अबेट किया, तब क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले केस देखते हैं, क्वीन बनाम मोहित का केस। क्या केस था भाई, क्वीन बनाम मोहित में ये पहली बात तो किस श्रेणी में आता है इनमें से, तो ये उकसाने पे आता है, इंस्टिगेट करने पे आता है। क्या फैक्ट थे सर, तो फैक्ट ये थे कि कोई मोहतरमा थी, हिंदू लॉ से रिलेटेड है, और वो सती होने जा रही थी, ठीक है, कुछ लोग थे इनके साथ और उनका बच्चा था, जब वो सती होने जा रही थी तो वो राम राम का उच्चारण करती हुई जा रही थी और लोग उनके पीछे पीछे चलते चले गए, और जब वो अग्नि से उनका संपर्क हुआ, उनका लड़का राम राम कह रहा था, ठीक, अब जितने लोग उनके साथ गए ना,
उनके ऊपर केस फाइल किया गया कि आपने अबेट किया उस स्त्री को। इन लोगों ने प्ली किया कि सर हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमको तो जबरदस्ती फंसा दिया आपने, ठीक है। लेकिन फैक्ट ये रहा, जजमेंट ये आया कि नहीं आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोग का जाना उसके साथ उसको मोरली सपोर्ट कर रहा है कि हाँ आप ये कार्य करो। डायरेक्टली आपने किसी काउंसलिंग किया है आपने? नहीं। और तो दूसरी बात, इनमें से कुछ अक्यूज में से किसी एक ने स्त्री को राय भी दे डाली थी कि तुम राम राम का उच्चारण करती हुई चली जाना, तो वह राम राम का उच्चारण करता हुआ उनके लिए और फांसी का फंदा बन गया। इतना समझ में आया? चले ठीक। सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं, पांडला वर्सेस वेंकट्टा स्वामी। साउथ इंडिया के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, तो उनके अब जनरली ऐसे केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं ना वहीं से देखते हैं। खैर चलिए, पांडला वर्सेस वेंकट्टा स्वामी जो केस में, ये कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, यहाँ पे दो भाई साहब होते हैं जो कि फॉर्जरी करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करते हैं, उसके लिए साजो सामान इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उससे कुछ क्राइम होता है, तो ये अबेटमेंट में ठहराए गए। आपने भाई क्या कहते हैं, नकली कागजात तैयार किए, तो आप सामने वाले को अबेट ही तो कर रहे हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था शायद, प्रॉपर्टी बेच दीजिए, समझ रहे हैं। तो ये लोग वहां पे अबेट किए थे, उसको इंड्यूस किए थे एक तरीके से कि भाई ये लो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। एक और केस आता है, विट चर्च का केस होता है यहाँ पे, जिसमें कि स्त्री जो होती है उसको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर वो अपना अबॉर्शन करती है, वास्तविकता में प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि अबॉर्शन सेल्फ एक क्या होता है, ऑफेंस होता है, तो उसमें भी वो कॉन्स्पिरेसी के तहत अबेटमेंट के लिए जिस इंसान से वो बातचीत की रहती है वो जिम्मेदार ठहराई जाती है। विट चर्च का केस होता है, ये लिखा नहीं हूँ, अच्छा हुआ याद भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस है हरधान चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस था भाई, इसमें कॉन्स्पिरेसी की भी बात कर ली गई थी। क्या कहा गया, इसमें त्रिलोक चंद नामक व्यक्ति थे और 9 लोग उनके साथ और थे, टोटल 10 लोग थे। इन लोगों ने क्या किया था कि ड्रम व्हील्स होते थे पहले, ठीक है, अब क्या होते हैं सर छोड़ दीजिए, करना क्या है ड्रम व्हील्स का, चोरी किए थे बस सभी लोग, इतना आवाज जानी है। इन लोगों ने चोरी किए थे ड्रम व्हील्स को, तो अब ये लोग कॉन्स्पिरेसी करके चोरी किए थे, सभी लोग आपस में बातचीत करके किए थे, ऐसा केस बनाया गया था। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी पर जजमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि भाई त्रिलोक चंद को या इनको जो थे ये भाई साहब लोग जो हैं, एक भाई साहब इसमें फंस रहे थे, बाकी सबको अनगिल्टी कह दिया गया था कि आप लोग क्या है गिल्टी नहीं है, लेकिन जो एक भाई साहब थे उनको क्या किया गया कि उनको गिल्टी ठहराया गया, लायबल ठहराया गया, ठीक है, बेस बनाया गया कॉन्स्पिरेसी का। अब ये भाई साहब कहे बाद में कहे कि एक बात बताइए, क्या मैं अकेले कॉन्स्पिरेसी करूंगा? अरे भैया कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन कहती है कि अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे कॉन्स्पिरेसी के तहत क्यों सजा दी जा रही है? बाद में इनको भी छोड़ना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस आता है इम्परर वर्सेस फैयाज हुसैन। बहुत बार पूछा गया केस है, क्या था इसमें, यही बात है, इंटेंशनली एड, आपने उसकी कोई सहायता की वाला। इसमें क्या था कि एक जमींदार था, उसने अपना घर एक पुलिस वाले को दिया, जो कि पुलिस वाला किसी इंसान को टॉर्चर करता उसी घर में, और ये इनको पता था, इन्होंने कहा कि ठीक है दरोगा साहब ले जाओ, खूब मारो पीटो, तो इन्होंने इंटेंशनली एड किया, इसीलिए इनको यहाँ पे लायबल ठहराया गया था। नेक्स्ट केस है इम्परर वर्सेस रामलाल, इंटेंशनल एड का केस है ये भी। देखिए ये वाला जो केस है ना, इम्परर वर्सेस रामलाल और ये सती वाला कहा गया, ये लगभग एक जैसा है, बताता हूँ फैक्ट्स क्या थे। रामलाल के केस में यह था कि एक स्त्री इसमें भी सती होने जा रही थी, लोगों ने उसको रोका और तो और पुलिस में कंप्लेंट भी किया कि सर वो सती होने जा रही, लेकिन बाद में पता नहीं कौन सा छूमंतर हो गया उन लोगों को कि उन लोगों ने उसकी मदद कर दी, ठीक है, मदद एनी हाउ किया, साजो सामान इकट्ठा करवाया होगा, अग्नि का तरीका बताया होगा, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है इस टाइम, ठीक है, तो उसके उसने उन लोगों ने हेल्प कर दी, तो इसमें भी ये लोग क्या ठहराए गए, लाइबल ठहराए गए। प्ली लिए, सर हमने तो पुलिस को बताया था कि भैया ये करने जा रही है, और हम लोग शुरुआत में नहीं करना चाहते थे, ठीक है, बाद में उसकी इच्छा के लिए हम लोग उसमें सम्मिलित हो गए। तो बोर्ड ने कहा ऐसा है, ज्यादा हीरो मत बनो, आपने उसकी अच्छी खासी हेल्प की है, आप सभी लोग लाइबल ठहराए, ठीक है। एक केस और आता है आर वर्सेस फ्रेडवेल का केस आता है, बहुत थोड़ा सा
कुछ लोग इस पे कॉन्ट्रेडिक्ट करता है व्यूज, लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं। आर वर्सेस फेडरल में क्या था कि एक भाई साहब थे और एक बहन जी थी, दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ थे। वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। वाइफ ने कहा कि मुझको अबॉर्शन की दवा ला करके दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लू। मतलब इतना हो गया था कि हस्बैंड जो तृप्त हो गया था, वो नहीं चाहता था कि अबॉर्शन हो, लेकिन उनके तृप्त करने की वजह से उसने ला करके दवा रख दी। जहर लिखा होगा किताब में, ठीक है। अब घर में रख दिया, वाइफ को पता है कि ठीक है आके रख दिया। अब वाइफ ने बाद में उस जहर को इनटेक किया अबॉर्शन के परपेक्ष। हुआ क्या, नियति को कुछ और ही मंजूर थी, वाइफ एक्सपायर कर गई, दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। अब भाई साहब उनके हस्बैंड पे केस बन गया कि सर आपने अपनी वाइफ को मारा है और अबेट किया है। कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई आपने अबेट किया है, नहीं सॉरी इसमें वाइफ वाले में नहीं किया है ना, माफ कीजिएगा, आर वर्सेस फेडरल में आपने पॉइजन ला करके दिया और यहां पे आप गिल्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, आपको आपकी वाइफ ने इतना तृप्त कर दिया था, आपका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, लेकिन आपने आपको इतना तृप्त कर दिया गया था तब आपने उसको ला करके पॉइजन दिया है, तो यहां पे फेडरल को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अब आप में से कई लोग इस पर कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे, वो आपका हक है, कीजिए, बुक के साथ भी कॉन्ट्रेडिक्ट कीजिए, लेकिन जज ने फैसला यही दिया था, ठीक है। अब एक और केस आता है, इम्प्रर वर्सेस उमी का केस है, बाइगेमी का केस है। इसमें हुआ क्या था कि एक भाई साहब थे, सज्जन पुरुष तो नहीं कहूंगा उनको, क्योंकि वो बाइगेमी का कार्य करने जा रहे थे, ठीक है। एक भाई साहब थे, वो दूसरी शादी करने जा रहे थे जो कि गलत था, और उनके एक और भाई साहब थे जिन्होंने उनको अपना घर इस पर्पस के लिए दिया था कि हाँ आप उसमें शादी करो, और वहां पे एक पुजारी भी था जिसने शादी करवाया था। केस बना, ये आपका घर है मिस्टर पी ओनर, यहाँ पे दुल्हा है, दुल्हन है, और ये प्रीस्ट था, ठीक है। तो ये कहा गया कि क्या ये इस बात के लिए लाइबल है कि नहीं है, सोचिएगा इस केस को। तो जहां तक मुझे पता है इसको लाइबल नहीं ठहराया गया, लेकिन इस पंडित को लाइबल ठहराया गया, ठीक है, कि आप इसकी दूसरी शादी करवा रहे हो, बाइगेमी करवा रहे हो, आप लाइबल हो, ये तो लाइबल है, ये उसका तो पता नहीं। हस्बैंड लाइबल बाइगेमी के लिए हुआ, प्रीस्ट भाई साहब उसको क्या किया अबेट करने के लिए लाइबल हुए, क्योंकि संस्कार यही जानते थे, यही शादी करवा, लेकिन इसने घर दिया इस पर्पस से, उसको लाइबल नहीं ठहराया गया है, सो दिस इज होल अबाउट द अबेटमेंट सेक्शन 107। फर्दर हम लोग 120 तक पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, टाटा, बाय बाय।